ओम शांति ओम शांति। नमस्ते गुरु जी। नमस्ते डॉक्टर सत्यनारायण जी। ये आदत क्या है? देखो भाई, आदत ऐसी चीज़ है जो कि एक बार अगर आपको पकड़ लिया तो आपको छोड़ेगा नहीं, लेकिन आदत पड़ती कैसे है इस पर हमको गंभीरता से सोचना चाहिए। आप जो दिन रात सोचते रहते हो वही आप बोलते हो, वही आप करते हो, और जो कर्म आप करते हो उसी से आपकी परिस्थितियाँ बनती हैं, उसी से आपका भाग्य का निर्माण होता है, उसी से आपका वातावरण का निर्माण होता है। तो आपकी सोच ही शुरुआत होता है आपके आदत का, आपके भविष्य का, आपके वातावरण का, आपके भाग्य का। अब दो तरह के इसमें आदत हो सकती है। एक तो होता है आदत जो बुरी आदत होती है, जो कि सोच से निकलता है, उस सोच का है नकारात्मक सोच। वो क्या है नकारात्मक सोच? काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, नाराजगी। जो व्यक्ति दिन रात काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, नाराजगी की दीवार खड़ा करता है, उसकी आदत राक्षस प्रवृत्ति हो जाती है। वो आदमी रावण बनता है, कुंभकर्ण बनता है, दुर्योधन बनता है, पुतिन जेलेंस्की बनता है, और जो भी लड़ाई झगड़ा करने वाला आदमी है वैसा बन जाता है। समझ रहे क्या? समझ। उसकी आदत हो जाती है, वो नर व्याघ्र बन जाता है, वो मानवता का शत्रु बन जाता है। तो इसको बोलते हैं आदत, खतरनाक आदत। लेकिन स्रोत कहाँ है इसका? सोच। समझ आ रहा है क्या? समझ रहा। ये सोच जो उसकी बुरी है ना, इसी से उसकी बुरी आदत पड़ जाती है। अब तुम देखते हो कोई लोग सिगरेट पीते हैं, कुछ लोग दारू पीता है, कुछ लोग वोमेनाइजर है, कुछ लोग वाइनाइजर है, और कुछ लोग महान हैं, करुणामय हैं, दयावान हैं, वो भगवान की छवि वाले पवित्र विचारों से प्रेरित हैं। तो उसका जड़ उसका सोच ही होता है। समझ रहे हो क्या? तो आदत एक ऐसी चीज़ है जो पलटा जा सकता है, याद रखो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बुरे विचारों से प्रेरित थे, उसके ज़िंदगी में स्वार्थ ही सबसे उत्तम था। अपना सोचना, अपने परिवार के बारे में सोचना, और दूसरों के बारे में कभी नहीं सोचना। लेकिन जब उस आदमी की बुद्धि प्रखर होती है तो वसुधैव कुटुंबकम सोचने लगता है। परिवर्तन कर लिया उसने, सोचा कि क्यों नहीं मैं आइंस्टाइन न्यूटन बनूं, क्यों नहीं मैं बुद्ध विवेक बनूं, कि पूरी पृथ्वी को अपना परिवार समझ लूं और उनके लिए नए नए इन्वेंशन करूं, डिस्कवरी करूं, नए नए सोच दूं, नए नए ज्ञान का विचार दूं, जिससे कि सारी मानवता का कल्याण हो। तो व्यक्ति जो कुएं का मेढक था, स्वार्थ के अलावा उसको कुछ भी नहीं था, अभी वो दुनिया के बारे में सोचना शुरू कर दिया, तो उसकी आदत बन गई। वो बन गया बुद्ध, वो बन गया अब्राहम लिंकन, वो बन गया न्यूटन, वो बन गया आइंस्टाइन, वो बन गया एडिशन, वो बन गया हेनरी फोर्ड, वो बन गया कार्ल बेंच, वो बन गया एंड्रू कार्नेगी, वो बन गया नेपोलियन। समझ रहे हो क्या? समझ रहा हूँ। तो वो जो सोचता है ना, उसी से उसका संस्कार बनता है, वही उसकी जीवन की धुरी बन जाती है, और वही धारण किया है उसने जीवन में। क्या किया है? विचारों को, हिंसा को, झूठ को, गद्दारी को, मक्कारी को। तो वो आदमी वैसे नीच हो जाता है, और उसके स्वभाव, आचार, विचार, व्यवहार सब उसकी सोच से होते हैं, और उसकी आदत हो जाती है। छोड़ना मुश्किल काम है, लेकिन अगर मनुष्य अगर चाहे तो आदत से मुक्ति पा सकता है। उसको यू टर्न लेना पड़ेगा, और वो बड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन ये असंभव नहीं है। तो बताइए आदत क्या होता है? जो आदमी सोचता है उसकी आदत पड़ जाती है। बोलिए, आपके अपने मुख से बोलिए। नहीं, जो समझ सकता है वो, जो आदमी सोचता है वही बोलता है, वही करता है, और बार बार यही करता रहता है, तो वही इसकी आदत बन जाती है, और वही व्यक्ति की पहचान बन जाती है। ओम शांति।